दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय मोक्ष ऑर्गेनिक। राजपूत कल्याण सभा चंबा ने शुक्रवार को सवर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर एडीएम अमित मेहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। सभा के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई राजपूत कल्याण सभा के प्रधान नरेंद्र सिंह समयाल ने की। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में सभा का तर्क है कि आज सवर्णों के हालात समाज के दूसरे वर्गों से भी दयनीय हो चुके हैं, इसलिए सवर्ण आयोग का गठन समय की मांग बन चुका है। उन्होंने साथ ही आरक्षण को जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर देने की मांग उठाई है। इस मौके पर राजपूत कल्याण सभा के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन स्वर्ण आयोग बनाने हेतु माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा देने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और जल्द ही स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। हम मुख्यमंत्री महोदय से एक बात कहना चाहेंगे कि हम किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि सरकारें ही हिंदू समाज को बांट रही हैं, वही जाति के प्रमाण पत्र बनवा रही हैं और वही मांग रही हैं। हमने ना किसी से आज तक किसी का कोई जाति प्रमाण पत्र मांगा है और ना ही हम किसी से कभी मांगेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू भाईचारा जो हो बना रहे, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन अगर सरकारें चाहती हैं कि हिंदू समाज बटे तो इसके लिए स्वर्ण आयोग सबसे पहले बनना चाहिए, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। भविन सामाजिक संगठनों द्वारा हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर बहुत से उग्र आंदोलन चला हुआ है और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं कि जब तक स्वर्ण आयोग नहीं बनता है तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम किसी भी सरकार या किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और किसी को भी समर्थन नहीं करते हैं। जो स्वर्ण आयोग बनाएगा हम उनके साथ पूरी जी जान के साथ उनके साथ काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी वो इसके ऊपर कोई ना तो टिप्पणी कर रहे हैं ना ही कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। तो आज हम ये पत्र एक बार फिर से उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है स्वर्ण आयोग का गठन करें और स्वर्ण समाज के प्रति भी अपनी दृष्टि रखें, क्योंकि स्वर्ण समाज आज एक समाज में बहुत ही दयनीय हालत में पहुँच चुका है। जैसा कि एक बात कही जाती है कि जी दूसरे समाज के लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं और उन्हें उनके उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ण समाज सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा निर्धन, सबसे ज़्यादा बेकार आदमी जो हैं आज की डेट में जो बर्बाद हुए हैं वो स्वर्ण समाज में ही हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द इसके बारे में काम करना चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। स्वर्ण समाज उसी को समर्थन करेगा जो स्वर्ण समाज के साथ होगा। जय देवा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय मोक्ष ऑर्गेनिक।